बहुत। खरगोन जिले के वनांचलों में बारिश की लेट लतीफी से क्षेत्र के किसानों को खेतों में कपास सोयाबीन की फसलें खराब होने का डर सता रहा है। साथ ही बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। क्षेत्र में अधिकतर जगहों पर कपास की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों ने बताया कि 15 दिन से ऊपर हो गए हैं अच्छी बारिश नहीं हुई, जिससे कि फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। फसल भी सूख रही है। पिछले वर्ष भी फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिससे कि फसल उत्पादन कम रहा। ऐसे में अगर 6-7 दिन और बारिश नहीं होती है तो क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप की रिपोर्ट। 20 दिन हुई बाजरी और पानी नहीं आ रही हो ना, जरा पतला जमीन से वहाँ तक सूखना बाज गया। कोतरा धाड़ा से पानी नहीं आई हो 15 दिन से ऊपर है गया है। तो फसल खराब होने का डर लगी रहो? हाँ लगी रही ना, सूखना भी लग रही नहीं, जरा जमीन पतली से नहीं वहाँ तक सूखना लग गई कहीं बुरी रहा वो ना। तो पिछले साल भी बहुत घाटो रही हो। पिछले साल भी एक पानी अच्छी बड़ो पड़ी, नहीं तो बाद में तो फसल को भी बहुत जतपत फसल अभी। पिछले साल भी घाटा है फसल? हाँ घाटा है। इन बार का लगाए छे? इन बार भी कपास भी छे, मक्को भी छे, सब छे सोयाबीन ना सब। पर पानी नहीं आ रही हो? पानी को परेशानी आ रही बहुत गाँव में। फसल भी पतला जमीन में तो सूखना लग गई। काय नाम? सरदार गावड़।